करोड़पति हैं तो करोड़पति बनने की सीख में देखते हैं, लेकिन जो देश के लिए और समाज के लिए यदि कोई काम करते हैं तो मिडिल वर्ग का है, वही ज़्यादा ऐसा देखने को भी मिलता है कि मध्यम वर्ग के लोग हैं तो समाज के प्रति समर्पण ज़्यादा भावना रहता है, देश के प्रति भी समर्पण रहता है, और कभी कभी ऐसा है कि अपने बलिदान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा पैसे वाले हैं तो सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, तो सुरक्षा चाहिए पहले, वो भी एगो पड़ाका भी ब्लास्ट करेगा तो वो तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कोई बम तो नहीं आ गया। देखो कौन क्या सोच रहा है वो मकसद नहीं है, कौन क्या कर रहा है वो भी मकसद नहीं है जी। आप ये कदाचित नहीं कह सकते हो कि अंबानी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो अपना बीबी को 20 करोड़ का एक ठो प्लेन दे दिया। दे दिया तो था जी। दे दिया, मेरा बाप का क्या गया? प्रश्न मैं देश के लिए कितना सोच रहा हूं और सोच तो रहा हूं, कितना कर रहा हूं और कर भी रहा हूं, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है ये प्रमुखता है। तो मध्यम वर्ग वाले क्या कर रहे हैं, उच्च वर्ग के आर्थिक, ये जो मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जो हिसाब किए हो वो किस मानदंड पे किए हो? आर्थिक मानदंड पे किए हो, है ना। और एक चौथा वर्ग आ गया बुद्धिजीवी वर्ग, जिनको हम गद्धिजीवी वर्ग बोलते हैं, गधा गधी, समझ में आ रहा है, कथा कथित उसको हम लोग क्या बोलते हैं उनको, इंग्लिश में बढ़िया वर्ड है जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इडियट नहीं, हायर एजुकेटेड नहीं, और कुछ एक अच्छा वर्ड है, चलो जो भी है। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनको तुम बुद्धिजीवी कह रहे हो, अरे महाराज फॉलो, बुद्धिजीवी वर्ग जिन्हें कह रहे हो वो किस आधार के बुद्धिजीवी हैं? वो बुद्धि के जो थिंक टैंक है वो किस बेस पे बना? मैकोले के बेस पे बना। तो बोलो कल जो करेंगे वो देश हित होगा या देश अहित होगा? हाँ, जैसे आप सोच रहे हो ना कि हम पंचगव्य चिकित्सा केंद्र खोलेंगे, डिग्री लेके चेन्नई से आए हैं, तो आप हित के लिए या अहित के लिए, समझ में आ रहा है? और आप तो तर्क में ये रख दोगे कि हम, चलो वो लोग तो उल्लूपाथी की दवाई बेच के करते हैं, हम तो पंचगव्य के दवाई बेच के, इसलिए हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब न्यूट्रल माइंड में और ध्यानस्थ अवस्था में उस विषय को ओवरव्यू करोगे, सिंहावलोकन करोगे, तो देखोगे कि वे लोग तुमसे अच्छे हैं। ये जो काले अंग्रेज है ना, ये जो एलोपैथी के मेडिसिन वाले हैं ना, ये जो गोली बेचने वाले हैं ना, तुमसे बढ़िया है, एटलीस्ट बेईमानी नहीं करते, यानी तुम परम बेईमान बन गए। किस क्षेत्र से? बुद्धि कथा कथित बुद्धिजीवी के अनुसार समाज को तुम दोहरे लूट रहे हो, एक मुखौटा पहने हो अच्छापन का और अंदर, समझ में आ रहा है ना, खुद मान रहे हो बात को, आप स्वयं अपने शब्दों में इनडायरेक्टली इस बात को मान्यता दे रहे हो, खुले खुले नहीं बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? और जब कहता हूं तो आपको, आपके ईगो को ठेस पहुंचता है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो इसलिए आप जो सोचते हो, पहला ये सोचना आज से याद रख के कि मैं जो सोचूंगा, जैसे ये महाराज बोल रहे हैं ना, मेरे दिमाग में तो सर प्लानिंग चल रहा है कि क्या करेंगे तो गुरुकुल खुलेगा, कैसे आएंगे ज्यादा लड़के, कैसे आएंगे बच्चे। देखो सोच किसके बारे में रहा है, एंगल क्या है, मैकोले कैसे करेंगे तो धंधा चलेगा, बच्चे ज्यादा आए, समझ में आ रहा है, कैसे करेंगे तो वो क्या क्या पॉइंट बता रहे हैं, सुनो, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी के सिस्टम पे चलेंगे, समाज का स्रोत जिस स्रोत पे चल रहा है, जिस दिशा पे, जिस स्पीड में चल रहा है, हम भी उसके साथ चल जाए तो हमें बच्चे मिल जाएंगे, सोच रहे, डायमेंशन देखो, यानी आप कहीं भी चले जाओ मैकोले से बच के नहीं जाओगे, नहीं जा सकते, हाँ, और तब जाके बचोगे जब गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण में आपको पहले डिलीट मार दिया जाए, आपको पहले क्या बोलते हैं उसको, पूरा सब फाइल कूड़ा देने का फॉर्मेट मार दिया जाए,
और उस दिन जैसे ये बोल रहे हैं ना कि हमारा तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तेरा क्या सिंह निकल जाएगा, एक पूछ निकलेगा क्या, तब जाके तेरा परिवर्तन हो जाएगा। अब भी नहीं समझ में आएगा, ये बात समझने के लिए हम जो जो इंजेक्शन मेडिसिन दिए हैं ये कारगर एक साल के बाद आएगा। अगर जो जो साधना यहां से लेके जा रहे हो निरंतरता से करोगे तो छोड़ दिए, फिर वही काले अंग्रेज का कीचड़ में रह के आपका चिंतन, व्यवहार, चलन और प्रत्येक कर्म के पीछे मानसिकता, वो बोल रहे हैं मैं गोसेवा करने जा रहा हूं, सही, एक एक टक्का का भी मतलब आप इसका बेईमानी नहीं देख सकते हो, 100% डेडिकेशन, लेकिन उसके पीछे धरातल क्या है, जिसे आप सोच रहे हो ना कि हम सेंटर खोलेंगे, आप गलत नहीं हो, आप सही सोच रहे हो। जैसे कि मान लीजिए बाइक है, ठीक है, अब मुड़ना है तो ये तो राउंड में घूमेगा, गोलाकार में घूमेगा, एक बैक तो टर्न लेंगे नहीं, तो कहने का मतलब कि माइकोलिक शिक्षा से जो है डायरेक्ट हम गुरुकुल की लगा, तो एक बैक टर्न लेना मुश्किल होगा, एक बैक मुड़ना है ना, ऐसे नहीं मुड़ेगा, जब भी मुड़ेगा तो राउंड में मुड़ेगा, राइट, तो मैं तो राउंड में ही मुड़ के आ रहा हूँ, पहले इस पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे रेट के उस पॉइंट, करेक्ट, मैं बोला ना आप जो सोचोगे माइकोलिक को छोड़ के नहीं सोच सकते, आप करेक्ट सोच रहे हो, ऑन द बेस ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस इज 100% करेक्ट, इस तर्क को कोई अकाट्य युक्ति है। अभी मेरे एक सेक्शन में एक लड़का है, वो अखा दारू पीता है इंग्लिश, आप उसके साथ 5 मिनट से 10 मिनट बैठ जाओ, वो आपको तर्क रखेगा कि इस देश का सबसे महान सेवा क्या जानते हो, दारू पीना, और वो पॉइंट देगा, बोले हम दारू पीते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, दारू में इतना परसेंट टैक्स है, हम जितना जल्दी दारू पिएंगे उतना जल्दी बीमार पड़ेंगे, तो मेडिसिन खाएंगे तो मेडिसिन में गवर्नमेंट का इतना परसेंट टैक्स देंगे, ये ऐसा हिसाब करके आपको दे देगा कि उससे बड़ा देश सेवक और कोई नहीं है, और मैं और पूरे सेक्शन उसको देश उसका नाम जो पिंगू उसको देश सेवक बुलाया जाता है। जैसा कि एक बार किसी को मेंटालिटी को मोड़ना ना बहुत मुश्किल होता है, नहीं इसीलिए तो साधना से प्रशिक्षण है, एक बैग ही मोड़ना पड़ेगा, आप किसी सिस्टम को काटोगे तो एक बैग ही काटोगे, आप ये नहीं बोल सकते हो कि धीरे धीरे मोड़ेंगे गुरुजी और मोड़ते मोड़ते यू टर्न लेंगे फिर कटेंगे, आपको डिलीट मारना है तो धीरे धीरे डिलीट मारना होता है क्या, आपको सिस्टम फॉर्मेट करना है तो धीरे धीरे करना होता है क्या, एक बैग काटना पड़ेगा, और जब तक, और खतरा इसमें यही है जिस सेकंड में आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगा उस दिन पहले आपको पागलपन लगेगा, अरे कहाँ हो गया, कहाँ है, अभी तो पानी के अंदर हो ना, तो मछली को पानी के बारे में समझाने से समझेगा क्या, नहीं वो पानी का थ्योरी नहीं जानता है, पानी से निकला तो मर जाएगा, आप मैकोले से बाहर निकले तो मर जाओगे, समाज आपको जीने ही नहीं देगा, ये चारों तरफ हर कण कण में जो विचार चल रहे हैं मैकोले विचार चल रहे हैं, मैकोले अफेक्टेड, मैकोले इंफेक्टेड, मैकोले रिएक्टेड विचार चल रहे हैं, कण कण यहां से निकला वो मेरा घर पहुंचा तो मेरा बीवी भी खड़ी है तो मैकोले का अफेक्टेड, नहीं समझा सकते, मेरे बच्चे भी खड़े हैं तो मैकोले अफेक्टेड, समझ रहे हो, मेरा बाप भी खड़े हैं तो मेरा मैकोले अफेक्टेड, कहां जाओगे, समंदर के अंदर हो मछली बन के, और मैं क्या कह रहा हूं, कूदो, और जिस समय आपका ब्रेन मैकोले इन्फेक्टेड अफेक्टेड रिएक्टेड से खटाक करके बाहर निकलेगा ना, उस समय संभालने के लिए बचा, जैसे मैं आप लोगों को योग निद्रा करा रहा हूँ, ध्यान करा रहा हूँ, और जो भी अग्निहोत्र वगैरह वगैरह जो करा रहा हूँ, तो बड़ा शार्प मैं आपको ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि जिस पल आपका ब्रेन न्यूट्रल हो जाएगा, जिस पल आपका माइंड का थिंकिंग प्रोसेस गुरुकुलीय हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा, उस पल आपको संभालना पड़ेगा, हो सकता है आप पागल हो जाओ, ध्यान में पागल बहुत हुए हैं लोग, जितने किसी का धोखा से पागल नहीं हुए ना, ध्यान के गलत तरीके से लोग पागल हुए हैं, रास्ते में झूठन खाने लगते हैं, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े कुंडलिनी साधक, देखा हूं खाली पागल नहीं, प्रचंड पागल होते हुए देखा हूं, क्योंकि मेरा जीवन पूरा इसी साधना कालखंड में गया है,
इसलिए बिकॉज फॉर दिस दिस इज नॉट सो इजी सब्जेक्ट. तो इसलिए आप जो बोल रहे हो ना धीरे धीरे यू टर्न, नहीं खटाक, यही है. आप पंच मार रहे हो, अब मैं बोल रहा था ना साउथ एशिया टूर्नामेंट लड़ने पंच मार रहा हूँ, धीरे धीरे मारूंगा, एक मारा और गिरा के फेंका दिया उधर, और नॉकआउट हो जाना चाहिए, उससे नॉकआउट नहीं किया तो मेरे को मारेगा.